इसे जर्नी में लेके जाइए, अपने ब्रश को सेव करिए, हाइजीन करिए, इसको इसमें रखिए और इसको इस टाइप से कैरी कर सकते हैं। करती है झलक के नाम से, झलक के नाम से हमने अपने प्रोडक्ट लगाए हुए हैं जो पन्नगर का ही शहद है वहीं के। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह मिश्र और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। साथियों आज यहाँ पे हम साथ में आम जनता भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुँची हुई है। यहाँ पे एक बुक स्टॉल भी लगा हुआ है और इस पर जो है कुमाऊँ का इतिहास एक ही बुक है जिससे उत्तराखंड की सांस्कृतिक इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं संस्कृति के बारे में तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर आइएगा और इस बुक को लेकर अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी बुकें भी हैं तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी स्टॉल आए हुए हैं हम सबकी जानकारी आपको धीरे धीरे दे रहे हैं और देखते रहिए और ज़रूर इस मेले पे आइए उत्तरायणी के मेले पे। फिलहाल हमारी टीम जो है यहाँ पर कुछ परचेसिंग करने लग गई है तो आगे अभी थोड़ा सा ब्रेक है, इसके बाद आपको आगे की दुकानों का हाल दिखाते हैं वहाँ क्या क्या आइटम है और कहाँ कहाँ से शॉपकीपर्स लोग आए हुए हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। वो लेके बार्गेनिंग चालू है, देखते हैं बात बनती है या नहीं बनती है। रामपाल जी को टोपी पसंद आ गई है, तो देखिए नहीं बनी बात तो आगे बढ़ गए हैं। तो उत्तरायणी कौतिक में आप अगर कला के प्रेमी हैं तो इस स्टॉल पे जरूर आइएगा। यहाँ पर हमारे जगदीश पांडे जी हैं जिन्होंने अपने हाथ से ये तमाम तरह की चित्रकारी बनाई हुई है और इसमें आप देखेंगे चाहे ओम पर्वत हो, चाहे हमारा तीर्थ जो प्राची धाम है वो हो, या हमारे जागेश्वर के मंदिर हो, या फिर तिब्बत चाइना के बॉर्डर हो, इन्होंने हर चीज़ को अपनी कला में रखा हुआ है और कला से कुरेदा हुआ है। तो ऐसे जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं आप लोगों को उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए और यहाँ से अधिक संख्या में आप लोग खरीदारी कीजिए और चाचा के उत्साह को बढ़ाइएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूँ कि यहाँ पर जरूर आइए उत्तरायणी मेले पे। दुकान पे आपको अलग अलग चीज़ों के और पहाड़ी उत्पाद के आचार मिल जाएंगे और काफ़ी आयुर्वेदिक उनका महत्व भी है और शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आके जरूर खरीदिएगा ये आचार। और ये पहाड़ी प्रोडक्ट है वो हर जगह नहीं मिलते, तो उत्तरायणी के मेले पे स्टॉल लगे हुए हैं इसलिए आपको यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और काफ़ी कम कीमतों पे उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए ये बता रहे हैं कि इनके पास बांस का भी जो है आचार है। नहीं है वो काम में कितने बाहर गए, कितने हमारे ये पनीर टिक्का बेच रहे हैं, स्पाइसी वेज पिज्ज़ा बेच रहे हैं, चीज़ पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। और कहाँ से आए आप? हम आए आम्रपाली से, हल्द्वानी से ही है। ये हल्द्वानी के ही है, इनकी दुकान पर आइएगा, ये अपने उत्तराखंड के हैं। दुकान देखिए खाली है, आने वाला होगा। पहाड़ी उत्पाद, ये हमारी माताएं बहनें हैं जो पहाड़ी उत्पाद लेके आए हैं। ये देखिए गोहत की दाल जाड़ों में खाने के लिए, देखिए गोहत की दाल खाइए काफ़ी गर्म होती है। ये मडवे का आटा देखिए, आपके शहर में सब कुछ उपलब्ध है। माता जी कहाँ से आई हैं? हम यही हल्द्वानी मुखानी से। मुखानी में रहनी? ये देवगढ़ जाके। अच्छा ठीक, चलिए हमारे पहाड़ी उत्पाद यहाँ मिलने। ये क्राफ्ट का आइटम है, जय हनुमान। आज मंगलवार भी है तो आइए यहाँ से इसे खरीदे मंगलवार। कहाँ से आइए दीदी आप? ये हल्द्वानी से ही है, चलिए भी हल्द्वानी से ही हमारे। खन्ना मिल रहा है, नींबू मिल रहा है, देखिए नींबू साना जा रहा है। मडवे की पकौड़ी है, मडवे की वेज रोल है और मडवे का नींबू भी है और झुंगर की खीर है। तो आप लोग कहाँ से? यहीं से हम, हल्द्वानी से। ठीक, सस्ता है कोई समिति? समिति हमारे हिंदू होते हो, लक्ष्मी माँ फूड एंड ये देखो जलेबी आ रही है, गरमा गरम जलेबी खाइए भाई साहब। आप हल्द्वानी से है? ये तो हमारे आदमी है। देखिए ये भी हमारे पहाड़ी भाई है। देखिए यहाँ अब यहाँ मेरे ख्याल से मोमो चाइनीज डिश है। उसके बाद यहाँ जनरल आइटम है, मोमो भी यहाँ रखे हैं, आइसक्रीम है,
गरिमा चाट वाले हैं, बहुत बढ़िया पहाड़ी वाले हल्द्वानी से, ये भी हल्द्वानी से लाए हैं। ये बॉम्बे के मशहूर, बॉम्बे से आए हैं, बरेली के हैं जी, और इनके इसमें बॉम्बे लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया बात है बाबा भाई, ये हमारे बाबा भाई हैं, बाबा भाई भाई हो आइए, हल्द्वानी की मशहूर दुकान है बाबा नाम से। अगर मैं प्रधानमंत्री को चाट वाला लिखाओ, चाहिए विजयगढ़ रोड, हमारी वीर जी है विजयगढ़ नैनीताल की मशहूर सॉफ्टी है, सॉफ्टी वाली है। उसके बाद देखिए हरिओम की स्टॉल, ये भी हल्द्वानी से हैं भाई लोग हमारे। तो यहाँ देखिए पकौड़ी वगैरह, जलेबी वगैरह बनाते हैं, लेकिन एफड़ की नहीं है, ये भी एफड़ बनाती है। पकौड़ी और आलू खिला रहे हैं आपको, पकौड़ी और खाइए, आलू और पकौड़ी खाइए आप लोग, आलू है पकौड़ी है रहता है भाई लोग। ये दुकान लगाई है और भुट्टो की दुकान लगाई है, कैरेट है 50 रुपये, वहाँ 40 का मिल रहा है, थोड़ी सी सस्ता कर देना ठीक है, 10 रुपये सस्ता कर देंगे आप लोगों के लिए ठीक है। और आप पकौड़ी खिला रहे हैं भाई साहब, ये भी दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से पक्का दिल्ली से, ये तो बहुत दूर से आए हैं। देखिए त्रेणी कोदिंग में बाहर के लोग भी बहुत आ रहे हैं इस समय। पकौड़ी आलू के गुटके छिले और पाव भाजी भी खिला रहे हैं आपको, उत्तराखंडी है हमारे, उत्तराखंडी भाई है ये, आपको मोमो खिला रहे हैं, मेरे ख्याल से छोले भटूरे खिला रहे हैं, शायद समोसे खिला रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं, फूड वाले हैं। ये हल्द्वानी के हैं, राजपुरा के हैं, ये आपको चौमीन खिला रहे हैं और स्प्रिंग रोल खिला रहे हैं, बंद मक्खन खिला रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं। देखिए अब आए तालीम वाले आए, कहाँ से? देखिए मदोई से आए हैं, मदोई से। देखिए काफी ओवरऑल आए हैं, इन्होंने काफी बड़ा स्थान एक्वायर लिया है इस समय, मेरे ख्याल से इनका किराया भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आओ ये देखिए कार्डिगन रोल, स्वेटर्स, बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं। कहाँ से है मैम? काठूधाम, हल्द्वानी के ही हैं ये भी। हैवेल्स वालों ने अपना सोलर सिस्टम के लिए वो लगा रखा है, अगर आपको सोलर सिस्टम की आवश्यकता है या बैटरी की आवश्यकता है तो यहाँ आइए। कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी, ये भी हल्द्वानी से ही है। उसके बाद ये भैया जूते बेच रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी चीप रेट में जूते मिल जाएंगे आपको। कहाँ से हैं? ये भी हल्द्वानी से ही है। क्या रेट है? 300 रुपये में आप देखिए ऐसे ऐसे जूते ले जाइए। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पहाड़ी उत्पाद, ये तो मसाले हैं, हर्बल ग्रीन टी के साथ मिक्स करके बनाई। देखिए सुनिए मैम क्या क्या कह रही हैं, ये मेरे अलग बेनिफिट्स है इसके, थोड़ी बताइए इसके ना अलग अलग बेनिफिट्स है, जैसे कैमोमाइल अगर कहीं पे है तो कैमोमाइल उसमें इम्यून सिस्टम के लिए, तो अलग अलग बेनिफिट्स इसके बैक साइड में लिखे हुए हैं।
बेटा ये आप खुद प्रोडक्शन है या आप कैसे लेते हैं माल? पैकिंग आपकी है, पैकिंग आपकी है, मडवे का आया है, पहाड़ी उत्पाद है, ये राजमा है, ये मेथी दाना है, ये भट है, और ग्लिसरीन बेस है, खुद बना रहे हैं, ग्लिसरीन बेस है, ग्लिसरीन और ऑयल बेस है, और इसमें फ्रेगनेंस भी हमने नेचुरल लाया है। ये गर्म करके बनाया जाता है, हॉट प्रोसेस से, हॉट प्रोसेस से बना होता है। सोलर रोलर भी है, हां सोलर भी है, उसके बाद ये सोलर का भी काम कर रहा है, सोलर। आइए, यहाँ बहुत सस्ता लगा रहे हैं। सब्सिडी कितनी है? हर वाली है, और एक हमारी यदि आपके पास जैसे पहाड़ों में जमीन है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। सोलर किलोवाट का अगर सोलर आप सिस्टम चाहिए तो 195,000 का, ठीक है। सब्सिडी 103,000 रुपए है, ठीक है। 91,000 और बढ़ गई है, 14 रुपए सब्सिडी कह रहे हैं और बढ़ गई है। 91,000 जो 14 रुपए आपको पेड करने पड़ते हैं, पेड तो आप पूरा ही करेंगे, 195,000 ये जो सब्सिडी आपके अकाउंट में वापस आएगी। तो ये आपके 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 4 किलोवाट सबके रेट लगे थे, तो देखिए। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा इसमें कहीं पर, और ये भी ऐसे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जैसे पहाड़ों में जमीनें हैं तो वहाँ आप 100-200 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। इसमें आपको आप गाँव में अप्लाई करेंगे उसमें आपको पैसा रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से, पर यूनिट जो भी आपका गवर्नमेंट आपको चार्ज देगी। ये भैया कहाँ से, इनसे पूछ लेते हैं। भैया जी आप हल्द्वानी से ही हैं? कहाँ से? हाँ, हल्द्वानी। हल्द्वानी से ही भैया जी हमारे। मैडम जी मेरे ख्याल से हल्द्वानी से ही है। पारखी पाकी ड्राई पान अगर बेच रहे हैं, ये चूरन है और ये स्वीट डिश टाइप की टॉफियाँ हैं, और ये मेरे ख्याल से बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए लेकिन इन्हें बेच रहे हैं, अच्छी चीज़ होती बच्चों की। और आप लोग कहाँ से बेटा? ये हल्द्वानी से हमारी। ये देखिए हमारी, ये देखिए लोग, ये हमारे हेम जोशी जी, उज्ज्वला स्वयं सहायता समूह से है हमारे। ये जोशी जी हमारे बहुत काम करते हैं, जोशी हमारे सब्जी का भी काम करते हैं। और देखिए यहाँ नींबू बना रहे हैं, और नींबू के साथ संतरा भी साथ में डाल रहे हैं मेरे ख्याल से। मैंने नींबू तो मैंने भी खाया है लेकिन संतरा उसके साथ खाते हुए बहुत कम खाया है। तो अभी हम पहले थोड़ी सी घूम लेते हैं, उसके बाद शायद यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद ये हमारे लिए बनाओ, फिर हम यहाँ आते हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए यहाँ देखिए गडेरी, और ये गारंटी है राजमा, ये भी ले आए हैं। देखो ये पेठा, पेठा पेठा भी अपने साथ आए हैं। वेरी गुड। ये देखे हल्दी, हल्दी ये इनकी खुद की पीसी हुई पहाड़ की हल्दी है, पहाड़ी हल्दी है। और मडुआ सब छोटे छोटे झुकने लगे हैं, अब इसके बाद का थोड़ी देर में करते हैं। जी आए हैं ये गारमेंट्स खोलिए, देखिए टोपियाँ हैं, अलग अलग टाइप की टोपियाँ बेच रहे हैं। क्या रेट है इनके? 100 रुपये की बेच रहे हैं, सही रेट है, बाजार में भी यही रेट है। और देखिए आप कहाँ से? हल्द्वानी से ही हैं। चलिए ये देखिए चूड़ी वगैरह लेडीज का आइटम बेच रहे हैं। कहाँ से आप? बरेली से आए हैं भैया। ये सॉफ्ट की वगैरह बेच रहे हैं भैया, कहाँ से आप? यहीं से लेडीज बैग वगैरह मिल रहे हैं यहाँ मैम, कैसे हल्द्वानी से? ये भी मैम हल्द्वानी से ही है भैया। देखिए है उनका आइटम यहाँ भी, सब मिल जाते हैं। कहाँ से भैया? हल्द्वानी से ही, काशीपुर से आए भैया। क्या ले लें? कहाँ कहाँ हैं? ये भी लेडीज का आइटम है मैम, भी निकल यहीं से बाहर से। ये देखिए पापड़ वगैरह लेडीज आइटम यहाँ, लेडीज में बाजरा कहते हैं, बच्चों का आइटम है। पापड़ मैं हमने साथ खुद ही बनाए हैं, खाकरा ही सर, हाथ के बने खाकरे खुद बनाते हैं। नहीं, कल मंगाते हैं। और आज भी क्या रेट है? मेरे तो ये देखिए खाकरे की वैरायटी सब नजर आ रही है। ये क्या है? ये पिज्जा खाकरा है, ये पिज्जा खाकरा है, ये पानीपुरी खाकरा है, मैगी खाकरा है, ये जीरा खाकरा है,
ये पाव भाजी है, पाव भाजी है, ये अलग अलग टाइप के खाकड़े हैं। तो अगर आपको खाकड़े खाने हैं तो इधर की वाली गर्म वाली जाए। पिज्जा खाकड़े जन्म लेता है, भैया जी इंडी आइटम बेचते हैं, उसके बच्चे होते हैं। ये भी हमारे उत्तराखंड से ही है, लेडीज आइटम नहीं है ये, सेम गारमेंट्स, सेम गारमेंट की शर्ट बेच रहे हैं। रुद्रपुर से आए सिंह साहब हमारे गए हैं, हमारे शर्ट देख रहे हैं, और मैं भी देखो दो चार शर्ट कोर्ट के लिए पसंद कर लिए हैं, और रेट भी इनके काफी कम है, 300 के लिए दे रहे हैं। देखिए अगर ये हम सोल पर देने जाते तो मेरे ख्याल में 3,000-4,000 की मिलती, यहाँ हम 300 रुपए की दो शर्ट पहनेंगे। अब हमारे सब अचार बना रखे हैं मैम ने, पहले खुद बना रखे हैं मैम, ये सब मेरे हाथ के बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना नहीं चाहते, इसलिए प्योर है जो इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाला है वो प्योर है, सेंधे नमक का यूज है, इसलिए ना अचार में कोई स्मेल होगी ना बहुत ज्यादा नमक होगा, है ना। और ये सारी पहाड़ों की दालें हैं, बढ़िया है, बढ़िया की बहुत वैरायटी है, बढ़िया है, मंगौड़ी है, मसाले हैं, सब आपको शुद्ध मिलेगा यहाँ पर। पहले देखिए जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो मंगौड़ी का कलर ऐसा हुआ करता था, अब ये क्या चीज है, ये भी मंगौड़ी, ये देखिए मंगौड़ी, पहले गोल हम बचपन में गोल मंगौड़ी खाया करते थे, अब मंगौड़ी का देखिए समय परिवर्तित हो रहा तो मंगौड़ी बस वो भी चेंज हो रहा है। देखिए एक ऐसी चीज है, आपका बालक है दूध नहीं पीता, पनीर नहीं खाता, काजू किशमिश बादाम अखरोट नहीं खाता, नहीं खिला सकते, तरबूज नहीं खा सकता, चुकंदर नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता है, नेटर का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट खिला दीजिए, सारी चीजें उसके अंदर है, आप समझ गए, बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब आदमी को पोषण, पूर्ण पोषण इसके अंदर है, पूर्ण स्वास्थ्य वर्धक है। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, गाउट्स प्रॉब्लम दूर जाए। पंचरत्न आटा से लेके सूप से लेके चाय से लेकर के दुनिया की जितनी चीजें हम खा सकते हैं सारी चीजें हमारे द्वारा बनाई गई है, बस आपका विवेक है, आप इसको प्रयोग करना ना करना आपकी विवेक पर है। तो ये ऑफ लाइफ, जिसे एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का परिवर्तन है, जिसका एंड्रॉयड फोन है वैसे ही एक स्मार्ट फूड है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर जितने भी स्टॉल आए हुए हैं, हम सबकी जानकारी आपको धीरे धीरे दे रहे हैं, और देखते रहिए और ज़रूर इस मेले पे आइए, उत्तरायणी के मेले पे। और फिलहाल हमारी टीम जो है यहाँ पर कुछ परचेसिंग करने लग गई है, तो आगे अभी थोड़ा सा ब्रेक है, इसके बाद आपको आगे की दुकानों का हाल दिखाते हैं, वहाँ क्या क्या आइटम है और कहाँ कहाँ से शॉपकीपर्स लोग आए हुए हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। रेडीमेड गारमेंट्स हैं, भैया भी कहाँ से, हल्द्वानी से ही है भैया जी, ये देखिए जैकेट है इनकी, वो बड़ी, इसके बारे में बताइए कहाँ बनता है, क्या बनता है, इसकी हल्दीचौड़ में है, मीनाक्षी इंटरप्राइजेस करके उसमें बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम पैकिंग करते हैं इसे। और इसके अलावा कुछ और बनाते हैं मीनाक्षी? नहीं, नहीं, इसी का ही। देखिए पहाड़ी भांग आए हैं, सौंफ भी मेरे ख्याल बाहर गए, सौंफ तो हमारे पहाड़ पे नहीं होता है, और इसमें बहुत भट वगैरह अलग अलग आइटम है, ठीक है सर, ये वो है एप्रिकॉट का ऑयल है, ये भी देखिए मैम, पहाड़ का प्योर है, ये भी प्योर है, एप्रिकॉट का ऑयल है, इसकी दर्द के लिए और या तेल ये घर में भी लगा सकते हैं। इसका और क्या क्या बेनिफिट है? इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि दर्द में ये बेस्ट है, अगर दर्द है कहीं भी तो इसको दो लगा के मल ले तो आराम मिल जाता है। इसको आप अपने पहाड़ी में बताइए, ये हमारे खुमानी होती है, खुमानी, जी हाँ, खुमानी के अंदर की गिरी, खुमानी के बीज का, जी हाँ, जी हाँ, बीज का, खुमानी का बीज है, जी हाँ, एप्रिकॉट का। तो इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 245 सस्ता ही है। ये देखिए ये अखरोट यहाँ के हैं बेटा, या हिमाचल साइड या वहाँ कश्मीर साइड के हैं? ये नेपाल के अखरोट है, देखिए काफी वाइट है, उसके अलावा पहाड़ी आइटम है यहाँ। आप लोग कहाँ से हैं? हल्द्वानी से। रेट क्या है अखरोट के? सही रेट है, अच्छे रेट है, बाजार में मॉल में जाएंगे तो आपको काफी महंगे मिलेंगे, मेरे ख्याल से 800-900 रुपए किलो देते हैं, लेकिन ये नेपाल के अखरोट है, आपको काफी सस्ते रेट में यहाँ मिलेंगे। एक बार मैंने देखी, सूखे में ये मेरे ख्याल से हैंडमेड है, खुद भी बनाते हैं जी, बनाते हैं, देखिए ये सब इनके दीदी द्वारा बनाया गया है, ऐपड़ वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं, देखिए बहुत बढ़िया, ये यहाँ का उत्तरांचली कला का नमूना है, और आपको
बाबा के दर्शन भी इसमें हो जाएंगे। नीम करेली बाबा जी यहाँ पे एक छोटी सी बिटिया भी है जो अपने पारंपरिक परिधान में है। इधर इधर को दिखाइए आपका नाम ईशानवी। तो छोटी सी गुड़िया ईशानवी हमारे साथ है यहाँ पे। ये देखिए दुकान को दिखाइए। जी रहे जाग रहे अपनी दुकान में जरूर आया यू भलो भल में खाए जाया। ये देखिए ये मुँह का मतलब होता है शहद। टांडा जंगल के अंदर। अच्छा टांडा जंगल के क्या रेट है? क्या रेट है? 1 kg 500 है और 1 kg 280 का वही बच्चा है। बहुत सारे उत्पाद है। आप कहाँ? हल्द्वानी से? ये राज ये मूंगफली है और ये तो हमारे चूरन वगैरह है, अचार है, राजस्थानी चूरन माउथ फ्रेशनर। भैया जी कहाँ से? जोधपुर से आए हैं। 200 रुपए का है, 250 रुपए है। और ये जम्मू कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बिचारी के। और देखिए खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है इसमें, बाहरी खुशबू प्रतीत हो रही है। बहुत की दाल क्या रेट है? ये क्या है? ये देखिए तिमूर। तिमूर तिमूर ये क्या है? हमारे पहाड़ का आइटम है तिमूर। तिमूर और ये क्या छू? ये किस काम आता तिमूर? ये हमारे मुंशियारी में होता है, नमकीन चाय बनती है। चटनी वो दवा में भी काम आता है? ये चटनी में आता है, बहुत बढ़िया। पहाड़ में तो इसके दांत लकड़ी के दांत भी मिलते हैं। बीज होंगे ना बीज? आपको वो काम करना है, मानना क्यों है? क्योंकि सामने तो हम क्या कर दे, लेकिन अगर हम ईश्वर है मानो तो ये पले में बंगाल से बहुत दूर आए हैं, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से आए, बहुत दूर से आए हैं हमारे भाई लोग। तो हम स्वर कर दो जी, मैं पहली बार हरिद्वार में आपका होटल में सो, मैं ₹500 सर हाथ से बुने हुए कुछ देखिए स्वेटर वगैरह रखे हैं। देखिए अभी भी मैम हाथ से बुन रही है, नैनीताल से। नैनीताल से रेट बराबर ही है। देखिए और मैम कहाँ से आप लोग? हल्द्वानी से। ये देखिए कश्मीर से आए, ये भी ठंडी जगह से है और हम भी ठंडी जगह से, नैनीताल के आस पास आए भाई लोग। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 दुकानें इन्होंने लिए। कितनी दुकानें लिए? 4 दुकानें इन्होंने लिए भैया ने कश्मीर से आए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। बना रखे देखिए, खुद ही है ना जी सर? ये खुद बने हुए हैं। आप लोग कहाँ से मैम? हल्दी चौक से। हल्द्वानी से? हल्द्वानी ब्लॉक के ही है। चलिए ये हमारी समूह की महिला है, सब बता दो। समूह की है ना जी जी। और इस समय वहाँ टेम्परेचर मेरे ख्याल से माइनस कितना होता है? इस समय टेम्परेचर कितना होगा? माइनस 10-15 -4-5 ही अभी ऐसे ज्यादा होता है। ये देखिए लद्दाख का काफी गर्म व्यवस्था है। देखिए इधर को दिखाइए, ये देखिए भाई साहब के लद्दाख की बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। ये बाल से बना हुआ है जो बकरी होती है, बकरी के फरों का उसका बना हुआ है, काफी गर्म होगा। ये देखिए इसके अलावा एक गर्म सॉल भी दिख रहे हैं। सॉल भी हैं। क्या रेट है? 1200 रुपए का है। ये खुद बनाते हैं आप? ये हैंडमेड है। ये देखिए तो दोस्तों देखिए उत्तरायणी मेले में जरूर आइए और अगर आपको गर्म सॉल वगैरह चाहिए तो यहाँ से लीजिएगा।
हल्द्वानी से है मैडम लोग। ये ट्रक्स ये देखिए नमकीन है, अलग अलग टाइप की नमकीन है भैया जी, नमकीन बना रहे हैं। और ये गुड़पट्टी, नमकीन गुड़पट्टी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। मूंगफली और ये बूंदी के कोई आइटम बनने हैं। ज्वार आप कहाँ से? राजस्थान से। भाई साहब राजस्थान के। और देखिए आपके लिए काफी मात्रा में नमकीन वगैरह लेके आए हैं, पूरी पेटियां पैक है, पूरा स्टॉक है। इसके अलावा और भी स्टॉक आपको मिल जाएगा यहाँ। इसके अलावा हैंडमेड ये मैम द्वारा खुद बनाया गया है। मैम कहाँ से है? ये कटघरी हल्द्वानी से ही है मैम। पहाड़ी सना नींबू नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुख्यालय हल्द्वानी, नगर शाखा हल्द्वानी, अनुभव स्वयं सहायता समूह है इनका। मैम लोग भी मेरे ख्याल से हल्द्वानी से ही मैम लोग। आप हल्द्वानी से ही? आजाद टेलर हैं ये, आजाद टेलर, हल्द्वानी के आजाद टेलर आप जानते होंगे, काफी मशहूर टेलर नैनीताल के, नैनीताल हल्द्वानी के ही है। नैनीताल आजाद टेलर काफी मशहूर टेलर है नैनीताल में। तो सर ये थ्री पीस सूट का क्या रेट है आपके यहाँ? थ्री पीस सूट का है 4,500। और अगर टू पीस का? टू पीस का है 3,500। तो देखिए 3,500 काफी किफायती दामों में यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप के आपको डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखिए और उत्तरायणी में मेले में आइए और आइए ठंडे के दिन सूट ले जाइए अपने लिए। इस समय यहाँ पर सूट वगैरह मिलेंगे सहायता समूह में। अब ये माँ वैष्णव सहायता समूह में आइए, ये हमारे नैनीताल हल्द्वानी से ही है, हल्द्वानी से ही है। और मैम क्या क्या रखा हुआ आपने? हम ये कुर्तियाँ हैं, अचार है, बैग हैं, जूट के बैग हैं, हाथ के बनी सारी जूट के बैग हैं, स्वेटर हैं हाथ के बने। तो जो लोग भी इसे देख रहे होंगे यहाँ पे आइएगा और खरीदारी कीजिएगा। ये आइटम खुद बनाते हैं या? जी सर, बनाते हैं, ये सब स्वेटर बनाते हैं, हाथ से बिनते हैं, हम लोग खुद बिनते हैं, ये सब हमने हाथ से बना रखे हैं। तो देखिए हाथ से बने हुए आइटम है, बहुत प्यारे प्यारे बत्तियाँ हैं सारी। इसके अलावा ये धूप बत्तियाँ वगैरह भी बनाते हैं। ये गणपति सेवा समिति वाले हैं हल्द्वानी से, तो आइए यहाँ देखिए। सर का आइटम इनका थोड़ी बहुत हैंडमेड है, बाकी थोड़ी सी नहीं वाला, बाकी वैसा है। तो कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से श्री हैंडीक्राफ्ट के नाम से। आइए देखिए एक आइटम दुकान और आदमी क्या कहते से दरी टाइप की ना, क्या कहते दन टाइप डोर मैट। कहाँ से आप? किच्छा से। एक भैया ये दो चार दुकान और मैडम और है, ये मेरे ख्याल से हैंडमेड आइटम है, ये भी खुद बनाते हैं सब कुछ। आइए सहायता समूह है या हाँ मतलब क्या नाम है? राष्ट्रीय सहायता भूल रहे हैं सहायता समूह। और ये देखिए बड़ी का आइटम यहाँ मिल जाएगा आपको, बड़ी पहाड़ी बड़ी मडवे के लड्डू, पहाड़ी मेथी है, ये मडवे का लड्डू है, राई, और ये आपको हींग, ये हींग तो मेरे ख्याल से मीठी लड्डू यहाँ पे 325 का पहाड़ होती है, पहाड़ में हींग कम होती है, ये नेपाल की हींग है बता रहे हैं भाई। तिमूर का नमक है, तिमूर तो हमारे पहाड़ में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो बड़ी हड़ी साहब अगर आना है तो आपको हमारे पास पहाड़ी बड़ी बेरीनाग से आए हैं, बेरीनाग पिथौरागढ़ से आए हैं भाई लोग। देखिए कुमाऊँ का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, मेरे ख्याल से हमारे उत्तराखंड के अधिकतर लोग हमारे ये कुमाऊँ के इतिहास में और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड के मूल निवास और स्थायी निवास के बारे में अभी जो आंदोलन चल रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और हर उत्तराखंडी को इस समय मूल निवास के लिए आगे आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये रेट वही है जो बाजार के हैं या कुछ सस्ता बेच रहे हैं यहाँ पे आप? डिस्काउंट मिलेगा, कितना रुपये डेट की परचेज का? 15 का पेंट फ्री, यानी 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 15 भी नहीं, अगर आप उसे राउंड फिगर में कहें तो 14-13% का डिस्काउंट भैया दे रहे हैं। अब उसके बाद आइए, वो तो हो गए जी की जगह हल्द्वानी के हैं, पहाड़ी पीजी रेट भारद्वाज गादी सेवा समिति। ये बाहर चलो पहाड़ी गडेरी है, ये देखिए अभी पहाड़ की गडेरी वगैरह आई है, पहाड़ के नींबू आए हैं, पहाड़ी है, ये गडेरी कहाँ से लाई?
पिछले साल की लकड़ी आई है। अच्छा। इसका पानी का शुगर कंट्रोल करने के लिए, हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, नया आइटम आया है। ये देखिए विजय सार की लकड़ी है। विजय सार की लकड़ी कहाँ कहाँ होती है? टनकपुर के जंगल में होती है। अच्छा, ये टनकपुर के जंगल में विजय सार की लकड़ी होती है। विजय साल यानी इसको साल कहा जाता है। इन्होंने विजय कह दिया, आगे से लगा दिया। तो ये हार्ट के लिए, शुगर के लिए, इन बीमारियों के लिए, किसको भिगा के आप देखिए, वो तो भिगा रखा जैसे वैसे, आप उसे पानी में डाल दीजिए और उसे पानी को पी लीजिए। और ये अचार आप खुद बनाते हैं? केरल का चाल है, बांस का चाल। और गडेरी कहाँ चाहिए? टनकपुर से 22 किलोमीटर आगे के हैं। बाकी बांस का चार, ठीक है, बांस का आचार भी है भाई साहब। शिमला तिमले का भी है। दुकान पे आपको अलग अलग चीजों के और पहाड़ी उत्पाद के आचार मिल जाएंगे और काफ़ी आयुर्वेदिक उनका महत्व भी है और शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आके ज़रूर खरीदिएगा ये अचार। और ये पहाड़ी प्रोडक्ट है वो हर जगह नहीं मिलते, तो उत्तरायणी के मेले पे स्टॉल लगे हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और काफ़ी कम कीमतों पे उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए ये बता रहे हैं कि इनके पास बाँस का भी जो है अचार है। और एक केवला है और इसकी भी सब्जी बनती है। और ये भी एक पहाड़ी जड़ी बूटी की तरह ही समझ लीजिए आप। और बहुत से लोग इसको जानते नहीं होंगे और आज मैं भी पहली बार इसको देख रहा हूँ। ये केवला इसको बोल रहे हैं। अरे सहायता समूह है, ये अर्जित सहायता समूह। भाई साहब लोग हाथ से बुनी हुई स्वेटर वगैरह दे रहे हैं। तो सर कहाँ से हैं? हल्द्वानी से हैं सर। हल्द्वानी से हैं साहब। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा सर। मैडम जी ये हाथ से बनी हुई है या रेडीमेड है? रेडीमेड है। कहाँ से आप? हल्द्वानी। क्या कोई सहायता समूह है? इंडिविजुअल मैम अपना वो करती है। झलक के नाम। ये देखिए हैंडमेड बैग है। आप हल्द्वानी से हैं? हल्द्वानी से हैं? हाँ ठीक है। ये अपना हैंडमेड बैग है। ये पहाड़ के आइटम है। टोपी ऊपर देखिए ये मिल रही है। और ये सहायता समूह मैम हमारी पार्षद हैं हल्द्वानी नगर निगम की। उसके अलावा ये आ गए हैं, ये भी सहायता समूह है। इसमें भी सहायता समूह टोपी वगैरह बना रहे हैं। ये हमारे क्या आइटम है? हिमालय का आइटम है ये भी। तो आप कहाँ से यही चल रहे हैं? अल्मोड़ा से आए भैया लोग। ये देखिए हमारे पहाड़ के आइटम है। मोटालपुर से आए हैं मैम लोग। ये मोटालपुर से आए हैं। फिलहाल पहाड़ी आइटम और आगे दाजू। ये जैविक आउटलेट है, ये जैविक आउटलेट बता रहे हैं। ये देखिए इन्होंने मिक्स दालें बना रखी है, पहाड़ी दालों की मिक्स दालें हैं। पहाड़ी दालों की है ना मिक्स? ये मिक्स राजमा है। ये मिक्स राजमा है, ये अलग बहुत बढ़िया लग रहा है। ना बगड़ ये 200 रुपये और ये रेट ठीक है। और ये राजू जकिया है, ये पहाड़ पे नहीं होता ये आइटम। ये अलसी पहाड़ पे नहीं होती है। हाँ ये अलसी पहाड़ पे नहीं होती है। ये पहाड़ बढ़िया मुर्गा बना रही है। आटे हैं जो दो चार प्रकार के आटे हैं। मडवे का आटा है और ये क्या क्या आटा है? मडवा, ज्वार होगा, बाजरा, मक्का दो टाइप के हैं। सफ़ेद मक्के का आटा भी है इसमें और एक मल्टीग्रेन आटा है। मडवे का आटा क्या रेट दे रहे हैं आप लोग? 60। चलिए ठीक है, रेट उनके नॉर्मली है बाजार के। और देखिए मैम लोग नींबू छान रहे हैं। आपका गणपति सहायता समूह करके है, नींबू छान रहे हैं। ये गर्म पैजामा हाथ के बने हुए इनके, आपने बना रखे? देखिए खुद ऊन ला के बनाए हैं। क्या रेट है? रेट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। और ये क्या है? यासिका। यासिका स्वयं सहायता समूह से है, भिठोरिया नंबर 1 हल्द्वानी से ही है, हमारी हल्द्वानी से ही है। आइए, बहुत सस्ते रेट पे हाथ से बने पैजामे दे रहे हैं। 12 ही स्वयं सहायता समूह। ये देखिए मैं लोग नींबू बना रहे हैं। और ये अपने ये सब ये घर में बनाते हैं, होम मेड है। श्यामा सहायता समूह ये अलग है, वो अलग है। ये देखिए जैकेट आ रही है मैम, चारी से शायद जैकेट लेके आई है। काफी सस्ते रेट में मैम, क्या रेट है जैकेट?
दो जैकेट के रेट सही है, गर्म काफी गर्म जैकेट है। ये हमारी पहाड़ी बढ़िया हो गई है। घर में मिक्स पीसे हैं, मिक्सी में या पिसाते हैं आप? ये पिसाते हैं घर, ये हमारे पहाड़ के ही मसाले हैं। बढ़िया है, आप हल्दान से ही है? नगर निगम काट गोदाम जन जागृति आयता समूह। कहाँ से मैम आप लोग? हल्द्वानी से ही है? कलरफुल। ये देखिए मैम लोग, देखिए मैम मेरी कंगली पहाड़ की किससे बनी है? नीम की। ये देखिए नीम के पत्ते, नीम के पेड़ से कंगी बनाई है मैम लोगों ने खुद, काफी अच्छी अच्छी है। क्या रेट है इनका? सब 149। और बहुत वुड का ब्रश है, और ये इसके ब्रशेस जो है वो चारकोल से बने हुए हैं, इससे टीथ खराब नहीं होते, लाइफ टाइम आपके टीथ बिल्कुल खराब नहीं होते। सर ये टेबल ट्यूब है, आप इसे जर्नी में लेके जाइए, अपने ब्रश को सेव करिए, हाइजीन करिए, इसको इसमें रखिए और इसको इस टाइप से कैरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उत्पादन है जी। ये देखिए, वो देखिए हमारे हमारे भावना मैम दिख रही है पीछे से, ये भी अपना नींबू खिला रहे हैं। ये स्पीकर है, स्पीकर है हाँ, ये बुड्ढा बुरा वाला स्पीकर है, ये स्टैंड का काम भी करता है और ये स्पीकर का काम भी करता है। अगर हाँ, अगर आप इसमें सॉन्ग बजा के इसमें रख देंगे तो आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। किचन में महिलाएं काम करती हैं, या आप कहीं काम कर रहे हैं, आपने टेबल पे रख दिया इसको स्टैंड के रूप में, और इसमें आपने अपना मोबाइल बजा रख दिया, तो इसमें आपका म्यूजिक स्पीकर का काम करेगा। क्या कॉस्ट है इसकी? 249। लास्ट वाला सर ये लूफा है, तुरई का, तुरई का बना हुआ है। स्वीट मिलने के लिए? अच्छा स्वीट मिल। ये वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल भी अच्छी है। विंटर में इसमें पानी गरम रहेगा, अगर आप गरम पानी रखेंगे तो गरम रहेगा, और समर में अगर उसमें ठंडा पानी रखेंगे तो पानी ठंडा ही रहेगा। सहायता समूह कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपसे? ये अभी मेरा पर्सनल का बिजनेस है। ये सब खुद बनाते हैं आप? नहीं मैं खुद नहीं बनाती हूँ, किसी के साथ मिलके बनाती हूँ। ये कहीं से लेते हैं? हाँ यस सर, प्रोडक्शन कहीं और होता है? यस सर। क्या करेंगे महिला विकास संस्थान टोटल हैंडमेड आइटम है, और ये कहाँ से? दुकानी से, ये भी हल्द्वानी से। चौड़ा कोटी फल संरक्षण ग्राम उद्योग सेवा संस्था, भटका आइटम 120 रुपए में दे रहे हैं दाजू के। ये भटका आइटम मुझे दाजू को वही दिखा और कहीं नहीं दिखाया, उन्होंने भट कोई चीज के आटा बना दिया है। और ये देखिए अचार अचार खुद का प्रोडक्शन है। चौड़ा कोटी फल संरक्षण, तिमूर ओग्रह है, पंचक्की का आटा, पंचक्की पिसाया पंचक्की का है, काफी ठंडा आटा होता है ये, इसमें जो मिनरल्स हैं वो बने रहते हैं। पंचक्की के आटे से फायदा होता है कि जब पंचक्की चलती है पानी से चलती है तो उसकी चक्की उस समय गर्म नहीं रहती जब वो आटे को पीसती है, तो पंचक्की का आटा काफी मिनरल से भरा रहता है। पूरे पहाड़ी उत्पाद है पंचक्की का, ये क्या रेट है? ये 60 का किलो है मैम, बताइए थोड़ी सी। ये मडवे का आटा है, पंचक्की का पिसा हुआ है, 80 का 1 kg है, और ये मक्के का है, और 60 का 1 kg है। ये हमारा घर का खुद का है, और ये गैस कहाँ का गैस है? ये पहाड़ से मंगाए हमने उत्तराखंड से। ये क्या रेट है? ये 60 का 1 pound, काफी महंगा है। 240 रुपए इसके रेट, थोड़ी सी आपके महंगे, थोड़ी सी कम करिए। मुश्किल हो रही है आलू। ये हमारे चाचा आए हैं उत्तराखंड महोत्सव के, यहाँ जगदीश पांडे जी है मेरे ख्याल से। और जो हमारे समाज ये जो आज ये इन्होंने मेरे ख्याल से खुद बना के उसका प्रिंट आउट लिया है, है ना चाचा? ये खुद बना के उसको उसका प्रिंट लिया है, देखिए जगदीश पांडे जी हमारे। ये देखिए हमारे पहाड़ की संस्कृति, हमारे मंदिर,
अरे मुसलमान करके करा लिया आपकी है। ये देखिए नैनीताल का मिलकर नैनीताल है, ये नैनीताल है, ये बागेश्वर साइड के हैं। ये देखिए हमारे गुलजू देवता की तस्वीर है, ये देखिए हमारे पुरातत्व मंदिर है, ये हमारा देखिए तिब्बत बॉर्डर नजर आ रहा है, तिब्बत बॉर्डर है। स्वर्ण मंदिर ये तो अमृतसर में है, अमृतसर वहाँ का बना रखा है। अच्छा मैं सोचा था ज्यादा चीज आपके हाथ में, ये देखिए जानते हैं आप मेरे गाजीपुर उत्तराखंड जानता हूँ और उनको अपना नमन करिए। ये हमारे कैची और अपने समाज में बाबा नीम करौली महाराज मंदिर दिखाओ। ये देखिए चाचा ने हमारा कैची मंदिर भी बना रखा, देखिए हैंडमेड है, देखिए काफी अच्छी इनकी आर्ट है। आपको इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिल सकती हमारे उत्तराखंड की कौतिक की ओर, ये कहीं नहीं मिलेगा। चाचा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफी आर्ट को सजाया हुआ है। ये देखिए और हमारी स्टॉल पे आपको शुद्धता की गारंटी मिलेगी, क्योंकि मैम कह रही है कि वो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, तो प्योर आइटम आपको यहाँ मिलेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे आइए उत्थान मंच पे और यहाँ पे लगे हुए स्टॉलों में जो यहाँ पहाड़ी संस्कृति के जो पहाड़ के प्रोडक्ट हैं उनको लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। तो देखिए ये जो है पहाड़ी उत्पाद है, ये बड़ी है, ये देखिए बिस्कुट भी मेरे पास है, ये मडवे के ये मडवे का, ये मक्के का है। और बताइए थोड़ी सी अपने ये खास वाली हर्बल टी है, और ये चूड़े हैं हाथ के फूटे हुए, ये ककड़ी का रायता मसाला है, ये पहाड़ी भाग की चटनी है, ये कई तरीके के तो दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं और अधिक से अधिक यहाँ पे जो स्टॉल मैंने देखे यहाँ पे पहाड़ी उत्पादों के हैं, तो आप लोग भी जरूर आइए यहाँ पे पहाड़ी उत्पादों का मजा लीजिए। उनके दिमाग सहायता समूह हमारे विकास खंडारी से है, जिला अल्मोड़ा से है। और ये देखिए पहाड़ी आइटम देखिए पहाड़ी 200 ये थोड़ी सी महंगी है, कल थोड़ी महंगी है मैम, मतलब ये नहीं तो हम तो बहुत खरीद लेते, आप सही सही देते, हम तो पहाड़ी है। देखिए मैम ने ये देखिए पहाड़ी टोपी मैम द्वारा बनाई गई, कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ स्मार्ट। देखिए पहाड़ किसान है और मैम मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए कुछ इसमें रेट गिरा देंगी, थोड़ी सी रेट मैम गिराएंगी। मैम थोड़ी सी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दीजिए, तो क्या क्या आप बना रहे हैं, थोड़ी सी जो जो आप बनाते हैं थोड़ी सी उत्पाद के बारे में क्या बनाते हैं। भाई जी का जो समय आता है तो जिसको कमाई ये जो आपने रखे हैं हां ये टोपी है आपकी चीजें हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है अभी, आप 50 रुपए की दे दो, आप मैम 200 कह रही हैं और 70 को लेके बार्गेनिंग चालू है, देखते हैं बात बनती है या नहीं बनती है। रामपाल जी को टोपी पसंद आ गई है, देखिए तो देखिए नहीं बनी बात तो आगे बढ़ गए हैं। इधर को दिखाइए, इधर को भगवानी से ही है भैया लोग, ये इनके आटे हैं और ये हमारे पहाड़ इनके स्वयं के द्वारा पीसे हुए मसाले हैं, चीली मिर्च हल्दी पाउडर ये खुद बनाते हैं सब। वहाँ पर आपका प्रोडक्शन आओ पैकिंग है बढ़िया है, चलिए ये देखिए कस्टम हैंड पेंट डिजाइन हस्तकला हैंडीक्राफ्ट हेलमेट आइटम बनाते हैं। बाद ये देखिए यहाँ ये जवि प्रौद्योगिक परिषद यहाँ लिखी है सुंदरम साय पनगर विश्वविद्यालय का जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें बताइए इसमें ये पनगर विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी की तरफ से हम लोग जिस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट लगाए हुए हैं
जो पन्नगर का ही शहद है और वहीं के जो मशरूम होता है उससे बनाया हुआ अचार है। ये पकौड़ा मिक्सचर है, ये हमारे बिस्किट्स हैं, इसमें मैदा कोई केमिकल नहीं है और मैदा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा मैदे का बहुत ज़्यादा वो हो गया है, उसको हमने हटाने के लिए इसमें मैदे का प्रयोग नहीं करा गया है और घर का घी यूज़ है। और ये हमारे धूप हैं, इसमें हवन सामग्री से बनाई गई धूपें हैं ये, और ऑर्गेनिक धूप भी हैं इसमें जो कि महिलाएं घर पर ही बनाती हैं इसको। और ये हमारी पहाड़ी दालें हैं, घर की बढ़िया हैं, ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं जो महिलाएं मिलकर काम करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जरूर आइएगा आप लोग। और देखिए लास्ट पे हमारी दुकान जो है बनाई हुई जनता जी पिछोड़े हैं, और ये आपके घर आपसे बनाई गई है रेडीमेड रेडीमेड आइटम है इनका, और इसमें हाथ हाथ से बनाया जाता है आपके द्वारा, ये खुद बनाई गई है, ये देखिए मैडम ने खुद बनाई है। ये देखिए टोपिया खुद बनाई है। तो मैडम इसमें कोई ऐसी नहीं है जो प्योर पहाड़ी टोपी हो, ये ना हो जिसमें ब्लैक ब्लैक, हाँ ये नहीं हो, ये नहीं, क्योंकि ये तो नेपाली वाला है ना, ये ना हो जिसमें वो दिखाई, ये नहीं, ये तो डुटियाली टोपी आ गई। क्या रेट है इनका? हल्द्वानी से है ये, आपने खुद बेबिन का खुद का वो है प्रोडक्शन। तो देखिए अब ये लास्ट में आपको दिखाते हैं, ये हमारे उत्तराखंड को पीछे हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं सामने, खड़क सिंह भोडवाल जी देख रहे हैं और सुभाष साहब देख रहे हैं सुरक्षा किसके। और चलिए इसी के साथ हम अपनी आड़ी को विराम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को समाप्त कर रहे हैं, और आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हमने आपको यहाँ पे आई हुई एक एक स्टॉल के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, वहाँ क्या क्या उत्पाद है। तो आइए, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर भी है जो थान मंच है, वो हमारे जो संस्कृति है उत्तरांचल की, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने में थान मंच का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम सभी आप लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ आइए अधिक से अधिक संख्या में खरीदारी करिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को लाइए हमारे पहाड़ की संस्कृति, जो हमारे बच्चे विलुप्त हो जा रही है उसके बारे में अपने बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपसे कुछ नहीं कहते हुए धन्यवाद।